हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? होप करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो वेलकम बैक टू द चैनल। तो जी आज हो रहे हैं शाम के 6:20 है और अब मैं स्टार्ट कर रही हूँ व्लॉग। सुबह से मैंने व्लॉग स्टार्ट ही नहीं किया तो कोई टाइम नहीं है मेरा ना व्लॉग स्टार्ट करने का, क्योंकि सुबह डालना है और व्लॉग है नहीं। मेरे को अचानक याद आ गया यार व्लॉग शूट करना था और सुबह से मैं भूल गई, तो मैं अभी शूट कर रही हूँ। तो आज क्या करने वाले हैं कि कल इन्वर्टर में पानी डाला था, पानी ख़त्म हो गया था इन्वर्टर का, तो वो बोतल खाली हुई है। तो मेरे पास जो पड़ा हुआ है ना छुई मुई का पेड़, इतने दिन हो गए अभी तक मैंने वो लगाया नहीं है। तो मैंने सोचा चलो आज उसको शिफ्ट कर देते हैं कोर्ट में। तो मैंने कहा चलो स्टार्ट भी कर लेते हैं वीडियो और ले चलती हूँ आपको ऊपर और दिखाती हूँ ऊपर का क्या हाल चाल है। और लाइट है नहीं, पानी है नहीं, बुरी हालत हो रही है, बस जी रहे हैं। चलिए चलते हैं, दिखाऊं आपको बोतल, दिखाती हूँ। तो ये है वो, तो काफ़ी स्पेस भी है इसमें, तो मैं इसमें लगाने वाली हूँ। ऊपर से काट लूँगी इसको थोड़ा थोड़ा सा और इसमें लगा दूँगी, तो काफ़ी दिनों तक चल जाएगा। उसके बाद ज़्यादा बड़ा हो जाएगा तो हम इसमें से फिर बड़े कोट में शिफ्ट कर देंगे। और हेलो कर रही है बब्बू आपको, तो जब से स्कूल से आई जब से पढ़ाने बैठाए हुए हैं इसको, क्योंकि इसका इंग्लिश का पेपर है तो यहाँ पे पढ़ रही है, ये इसकी कापी है। तो चलते हैं, मैं इसको ऊपर से कट कर लेती हूँ, उसके बाद लेके चलते हैं और इसमें लगाते हैं उसको। और मीठा पानी डालना पड़ेगा, पानी का घूंट नहीं है घर में और हस्बैंड भी नहीं है, देखते हैं क्या होगा। देखिए लग के हो गया रेडी, और अभी शाम का टाइम है इसलिए ये मुरझाया हुआ है, सुबह एकदम खिला हुआ मिलेगा। और नीचे आप देख सकते हो मैंने इसमें डब्बे में आधे से ज़्यादा वेस्ट भरा है, गत्ता पड़ा था मेरे पास वो भर दिया मैंने तोड़ तोड़ के, और भुट्टे के छिलके पड़े हुए थे तो वो भर दिए देखो। और अभी इसमें पानी डालूँगी ना तो ये थोड़ा गल गल के सड़ सड़ के थोड़ा वो बन जाएगा खाद, और फिर
प्लांट की जड़ों को अच्छे से मिलेगा और फिर प्लांट भी अच्छे से बढ़ेगा। तो इसी तरह आप मिट्टी भी कम लगती है और हमारे पेड़ों को खाद भी मिल जाती है। तो इसी तरह आप बना सकते हो। अब सुबह देखना, मैं सुबह दिखाऊंगी इसको किस तरह ही खिल जाएगा। अभी तो मुरझा रहा है, मैं इसमें पानी डालती हूँ, लेके आती हूँ मैं नीचे से पानी। ये डाल देती हूँ मैं इसमें, इसके अंदर पानी। मैंने इसको शिफ्ट कर दिया जहाँ पे इसकी जगह है। धीरे धीरे पानी डालती हूँ। ये देखिए सिंगोनियम कितना अच्छा सा हो रहा है ना। पार्क से लाई थी, इसमें बहुत सारी डंडियाँ काट के वो अब अच्छे से पत्ते निकल गए हैं। ये देखो पानी गया अंदर, नीचे तक पानी चला जाए। ड्रेनेज होल तक जब तक निकले ना पानी आप डालते रहें, तब जाके ही अच्छे से जड़ों तक पानी जाता है। तो जी यहाँ पे मौसम तगड़ा ही हो रहा है और मैंने क्लीन भी कर दी है पूरी छत। और अब मैं थोड़ा सा घूम लेती हूँ। तो यहाँ पे मैं घूम रही हूँ और तुली का कर रही है उधम, तो ढंग से वीडियो नहीं बना रही है वो, बब्बू के पीछे पड़ी है। तो मैं उसको डांट रही हूँ, सुना भी रही हूँ और घूम भी रही हूँ। तो आप सोचोगे किसको सुना रही है, किसको डांट रही है, फेस से लग रहा है ना। तो मैं तुलिका को बहुत ज़्यादा डांट रही हूँ क्योंकि ये ना छोटी वाली को बहुत ज़्यादा छेड़ती मारती है कूटती है। इसलिए मैंने कहा क्यों छूती है तू उसको, तो इसीलिए मैं उसको बहुत ज़्यादा डांट रही हूँ। तो बहुत ही अच्छा मौसम हो रहा है, मैं घूम रही हूँ मज़े से। तो यहाँ घूमते घूमते फ़ोन आ गया, फिर मैंने तुल्ली के हाथ से अपना फ़ोन ले लिया। उसके बाद मैं बातें करने लग गई और फिर मैं एंड कर दूँगी वीडियो का। सो गाइस, तो यहाँ पर मैं अब घूम रही हूँ और अंधेरा होने ही वाला है, लगभग 7:30 का टाइम हो रहा है। तो कैसी लगी आज की वीडियो? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक कर दें, नहीं हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। तो जी ये देखिए, ये है अगला दिन सुबह का। तो हवा चल रही है ना, तो हवा इसको छूती है ना तो अभी ये मुरझा जाता है। तो सुबह एकदम अच्छे से खिल रहा था, अभी हवा चली तो थोड़ा थोड़ा मुरझा गया। और आप देख सकते हो कल कैसा लग रहा था, आज कैसा लग रहा है। तो और भी अच्छा भरा भरा लग रहा था, लेकिन हवा से थोड़ा सा ऐसा लग रहा है। तो ये है मेरा छुई मुई का पेड़ जो मैंने रिपोर्ट किया था कल। आज अगला दिन है, सुबह का टाइम है, 10 बज रहे हैं सुबह के। अभी मैं एडिट कर रही थी तो मैं सोची थोड़ी सी क्लिप शूट करके लाती हूँ, वो डाल देती हूँ। तो मैं यहाँ आई तो हवा से ये थोड़ा सा मुरझा रहा था, वरना सुबह मैं आई थी ना 5 बजे 5:30 बजे तो ये अच्छे से बहुत अच्छे से खिला हुआ था।